अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं कीमा और करेला। कीमा करेला अगर आप बिल्कुल मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके करेले और कीमा बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे और ये बहुत टेस्टी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो आधा किलो हमने करेले लिए, करेले को अच्छी तरह धोया और धोकर इसे काटकर इसका बीच वाला हिस्सा हटा दिया और इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच नमक और डेढ़ गिलास के करीब इसमें पानी डाला। आधा घंटे के लिए इसे रख दिया था ताकि इसका सारा कड़वापन दूर हो जाए। तो आप हल्दी, नमक और थोड़ा सा पानी डालकर करेले को पहले काट कर रख लें। आधा घंटे के लिए इसका सारा कड़वापन जो है वो दूर हो जाता है। और आधा किलो कीमा लिया, कीमे को भी अच्छी तरह हमने धो लिया है और 5 से 6 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो प्रेशर कुकर में हमने 2 बड़े चम्मच के करीब तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये करेले। तो करेले का जो हल्दी वाला पानी था उसे हमने हटा दिया और इसे हमने 2 से 3 पानी से और अच्छी तरह धो लिया है। तो सबसे पहले हम करेले को फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें फुल पर रखेंगे और करेले को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फुल फ्लेम पर करेले को हमने 8 से 10 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। ये देखिए करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो बस करेले को हम इस तरह निकाल लेंगे। तो बस इस तरह आप करेले को पहले फ्राई कर लें। तो ये करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसी ऑयल में हम डाल देंगे ये प्याज और प्याज को भी हम यहाँ फुल फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए ही फ्राई करेंगे। इसे हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज को भी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। ये देखिए प्याज हल्की गुलाबी फ्राई हो गई है। अब हम प्याज को भी निकाल लेंगे। तो प्याज हम यहाँ पर पूरी नहीं निकालेंगे, आधी प्याज हम इसी में रहने देंगे और प्याज को भी निकाल कर ये करेलों पर इस तरह रख लेंगे। तो ये प्याज और करेले दोनों को हमने फ्राई कर लिया है और बाकी की प्याज हमने इसी में रहने दी। अब इस प्याज में हम थोड़े से मसाले डालेंगे। तो मसालों में हमने लिया है दालचीनी, जावित्री, लौंग, काली मिर्च, जीरा, 1/2 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और 1 टेबल स्पून सौंफ। और ये मसालों को हल्का सा हम भून लेंगे और 1 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 से 2 मिनट इसे भून लेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद में अब इसमें हम डाल देंगे कीमा। कीमे को भी थोड़ी देर भून लेंगे। तो थोड़ी देर कीमे को भूनने के बाद में अब इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। पाउडर मसालों में लिया है हमने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप नींबू भी डाल सकते हैं या इमली का पल्प, और अगर आपके पास में कच्चा आम है तो वो डाल दें। 1.5 चम्मच नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तो ये सारे पाउडर मसाले हम इसमें डाल देंगे और बस मसाले को अब हम कीमे के साथ अच्छे से भून लेंगे। कीमे को हमने 8 से 10 मिनट अच्छी तरह भून लिया है। ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे पानी और इसे रखेंगे हम गलने के लिए। तो पानी हम यहाँ बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, 1/2 गिलास के करीब पानी डालेंगे। अब हम इसकी लिड लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर इसमें 2 से 3 सीटी ले लेंगे। करीबन हमें इसे 8 से 10 मिनट पकाना है। तो चलिए अब हम कीमे को देख लेते हैं। तो ये देखिए कीमा अच्छी तरह गल गया है। अब इसमें हम डालेंगे करेले। तो इसमें अब हम ये करेले और प्याज जिन्हें हमने फ्राई किया था ये डाल देंगे और इसमें हम 1/2 कप के करीब डालेंगे पानी और गैस को चालू करेंगे और इसे अब हम अच्छे से भून लेंगे कीमे के साथ। तो करेले और कीमा दोनों को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है। ये देखिए अब इसकी हम लिड लगा देंगे। तो यहाँ पर पानी थोड़ा सा कम है तो इसमें हम 1/2 कप के करीब पानी डालेंगे इसमें। अच्छा पानी इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना डालेंगे कि ये अच्छे से गल जाए और ये थोड़े से लिड पिटे रहें। अब हम इसकी लिड लगाएंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर इसमें हम 2 से 3 सीटी ले लेंगे। करीबन हमें इसे 8 से 10 मिनट पकाना है। तो लीजिए कीमा करेला बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनी है और करेले जो हैं वो बिल्कुल कड़वे नहीं बने हैं। तो इंशाल्लाह आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं रहेंगे। तो आप एक बार जरूर ट्राई करें, जैसा मैंने बनाया है इस तरीके से आप ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।